स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर एमएम स्कूल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ई क्लासेस। टुडेज क्लास फॉर द फोर्थ क्लास, रिवीजन नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर चैप्टर नंबर 4 द प्लांट्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन पेज नंबर 27। फास्टली एवरी स्टूडेंट टेक आउट, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 और 3 के टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए थे। क्वेश्चन आंसर आपको सेल्फ अपनी मम्मी से करवाने हैं और 4 और 5 के मैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक से करवा रही हूँ। तो देन फास्टली टेक आउट द पेज नंबर 27। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट आपका दे रखा है प्लांट इज मेनली डिवाइडेड। प्लांट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितने पार्ट में प्लांट डिवाइड रहता है, रूट और शूट, यानी कि टू टाइप। कौन कौन सा रहता है? रूट एंड शूट। सेकेंड है रखा है, थर्ड आएगा इसका बोथ ऑफ दीज। सेकेंड है फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड, यानी फोटो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या ऑल ऑफ दीज। ये भी मैंने आपको ड्रॉ से करवाया था, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड ये रखा है लीव्स गिव आउट एयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड, उन छोटे रंध्र से जो निकलता है पानी वो क्या कहलाता है, जो हवा निकालती है? सेपल्स, स्टेमन, कार्पेल या स्ट्रोमेटा। तो क्या आएगा? स्ट्रोमेटा। फोर्थ द लीव्स गिव आउट एयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। नेक्स्ट है फोर्थ, प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग, क्या लाने में सहायता करते हैं प्लांट्स? फ्लड, रेन, अर्थक्वेक या ऑल ऑफ दी। तो क्या लाएंगे प्लांट्स? रेन। क्या लाएंगे? रेन। फिर फिफ्थ है द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, जो हरा रंग होता है वो पत्तियों क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। फर्स्ट भी आएगा क्लोरोफिल। फिर प्लांट्स गिव अस, प्लांट हमें क्या देता है? मेडिसिन, पेपर, वुड या ऑल ऑफ दीज। तो क्या देगा? ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन आंसर्स है आपके, ये आप अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो दिए हुए हैं आपके, जो लास्ट वीडियो, उसमें आप कंसल्ट करके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, देखो आपके फर्स्ट है द ग्रीन समथिंग इन लीव, पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किस कारण आता है? क्लोरो जो खाना बनाने की पौधों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फिर लीव्स टेक इन और गिव आउट एयर थ्रू द टिनी पॉड्स स्ट्रोमेटा, अभी बताया था आपको। और द फोर पार्ट ऑफ प्लांट पेटर, या आपको मशरूम भी आता है आपका, पेटर, सेपल, स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन और कार्पेल, ये आपके फोर पार्ट है एक फ्लावर के, एक प्लांट के। किसके पार्ट है? एक प्लांट के। नेक्स्ट आता है लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप फ्रॉम द मैटर, किससे बने होते हैं? एक मैटर से, एक तत्व से। टू पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉल्ड रूट एंड शूट। फिर आपको ट्रू फॉल्स दे रखा है, शूट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो शूट होते हैं यानी जो टहनी होती है वो ग्राउंड के नीचे होती है। नो रॉन्ग, वो तो रूट होता है। आपका यानी ये बताया था पेड़ बनाकर, ये तो नहीं, ये होता है आपका रूट और पेड़ का ऊपर का हिस्सा जिसमें आपके पौधे और पत्तियां बनी हुई होती हैं, ये क्या कहलाएगा? आपका शूट सिस्टम यानी टहनी। फिर ट्रीज प्लांट्स बिलोंग टू एनिमल्स, जो पौधे और जो पेड़ है वो जानवरों से बिलोंग करते हैं? नो। फॉल्स द रूट ऑफ ए प्लांट कीप इट फिक्स्ड टू ग्राउंड, रूट इसकी पौधे को पकड़े रखता है? यस ट्रू। फिर देर का है द स्टीम ऑफ ए प्लांट कंटेन द बेबी प्लांट, स्टीम जो प्लांट का होता है यानी तना जो होता है वो बेबी प्लांट को करता है? नो। फिर वाटर एंड फूड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट, पानी और जो खाना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमता रहता है? यस।
प्लांट्स ब्रीद थ्रू द क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल की तरह से वो सांस लेते हैं? नो। फिर प्लांट है ये टू सिस्टम, प्लांट के टू सिस्टम है या दोस्तों। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका देखो ये पूरा माइंड मैप दे रखा है, बस ये आपने ये फाइबर फाइबर यानी आपका फिर रेशे, जो रेशे होते हैं फ्लावर स्टीम लीव्स ब्रांचेज फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ रखा है चैप्टर नंबर 5 एनिमल्स। तो आपका इसमें फर्स्ट कितना करेक्ट ऑप्शन है, पेज नंबर फास्ट में निकालो 34, पेज नंबर 34 फास्ट में देगा। ए प्राइड ऑफ, प्राइड किसका होता है? लॉयना, बताया था मैंने आपको ए ग्रुप ऑफ लॉयन इज कॉल्ड प्राइड। फिर वॉल मूविंग, वॉल कैसे मूव करते हैं? प्राइड में, पैक में, ट्रुप में, ग्रुप में। तो वॉल किस में करेंगे? वॉल करेगा आपका पैक में, किस में करेगा? पैक में, वॉल पैक। नेक्स्ट मेरे कारण नाइस एनिमल कम्युनिकेट यूजिंग कलर, कौन सा करता है अपने कलर यूज करके कम्युनिकेट? कैट डॉग कैटल फिश या बी हनी बी, इसका आएगा कैटल फिश। फॉर दे दे यूज ए स्टिक टू डिग टर्माइट्स, हु आर दे, जो एक स्टिक जो लकड़ी को अंडा खोदने में इसमें यूज करते हैं तो वो कौन होते हैं? चिंपांजीज मंकी या चिंपांजी। चिंपांजी क्या आएगा इसका आंसर? चिंपांजी फोर्थ का थर्ड। द एनिमल हु कैन सी इन डार्क एंड नॉन एज, जो एनिमल अंधेरे में रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुड साइट एनिमल, स्पेशल साइट एनिमल या नॉक्टर्नल एनिमल्स, तो क्या कहलाएंगे? नॉक्टर्नल एनिमल्स थर्ड। फिफ्थ का थर्ड, पिक द फ्रेंडली एनिमल अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें एनिमल है जो आपके फ्रेंडली एनिमल है? मंकी लॉयन मंकी एलिफेंट दे रखा है, इसमें आपका आएगा मंकी। सिक्स का फर्स्ट, देखो मैं वापस बता रही हूँ आपका, फर्स्ट का आएगा आपका प्राइड का फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ। सेकंड का वॉल्स का सेकंड, थर्ड का एनिमल का भी थर्ड कैटेगरीज, फोर्थ का आएगा थर्ड चिंपांजी, फिफ्थ का आएगा आपका थर्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स और सिक्स का आएगा फर्स्ट मंकी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको कॉपी में करवा रखे हैं, और किसी को प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना। फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आपका देखिए ए ग्रुप ऑफ लॉयन इज नॉन एज प्राइड, फिर ए ग्रुप ऑफ वॉल्व इज नॉन एज पेयर, फर्स्ट का आएगा प्राइड, फर्स्ट में क्या आएगा प्राइड, सेकंड में आएगा ग्रुप ऑफ वॉल्व इज नॉन एज पेयर, क्या आएगा पेयर, और थर्ड का हनी बी कम्युनिकेट बाय डांसिंग, और फोर्थ में चिंपांजी हैव लर्न टू स्टिक एज ए टूल, फिफ्थ आउल इज ए नॉक्टर्नल एनिमल यानी जो रात को भी देख सकता है वो आउल, और सिक्स नंबर है आपका एलिगेटर आर द साइन एनिमल एलिगेटर, फिर सेवन है पीकॉक बिकम्स द ह्यूमन यानी जो पीकॉक है आपका मंकी है ये ह्यूमन बींग्स के फ्रेंड होते हैं। फिर आपका दे रखा है ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट आता है आपका मंकी लीव इन कैट, इसमें पैक में रहते हैं, नो फॉल्स। सेकंड है ग्रुप ऑफ कैटल इज नॉन ए हर्ड, यस। फिर ए कैटल फिश कैन चेंज इट्स कलर, यस। फिर मंकी लीव अलोन, मंकी अकेले रहते हैं क्या? नो। बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, जो
चमगादड़ होती है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स है। Okay, students, if you have any problem, then you WhatsApp me and call me also.